छात्र संघ चुनाव परिणाम को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने खुशी जाहिर करते हुए हमारे संवाददाता हेमेंद्र शिमाली से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए हैं। प्रदेश में पूर्व में होने वाले चुनाव में सड़कों पर आपराधिक तत्व छात्र राजनीति में सक्रिय होता था, धनबल का अत्यधिक और अनावश्यक उपयोग होता था, लेकिन इस बार लिंग दो कमेटी के कड़े कानून की वजह से छात्र संघ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी इसी तरह के माहौल बना रहे, ऐसी सरकार की पुरजोर कोशिश है। कटारिया ने उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु बागरी का लड्डू खिलाकर जीत की बधाई दी। प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के जीत और कामकाज पर भी इन्होंने संतोष जताया। समय राजस्थान संवाददाता हेमेंद्र शिमाली ने राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया से इस सिलसिले में खास बात की। शासन चुनाव के परिणाम आज आए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया हमारे साथ हैं। इस बार के छात्र संघ चुनावों में काफी कानून और सुरक्षा के उपाय देखे गए। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में पुलिस का सख्त पहरा भी रहा। इस वजह से जो घटनाएं जो होती थी वो इस बार नहीं हुई। आप क्या कहना चाहते हैं कि हमने निगोद कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी कोर्ट की, चुनाव हो लेकिन चुनाव एक डिसिप्लिन तरीके से हो। पुलिस ने अब की बार कोशिश की है कि उन मापदंडों का पालन कराया जाए और उसके आधार पर चुनाव हो। जहाँ जहाँ आवश्यक पड़ा उनको सख्ती करके भी उस पालना की ओर आकर्षक किया। इस बार विद्यार्थी परिषद को कई स्थानों पे ज्यादा सफलता मिली है। क्या माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में इसका कोई असर पड़ता है कि पिछले कई सालों से विद्यार्थी परिषद को हमेशा राजस्थान में यदि और सारे कॉलेजों की और यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखें तो 65-60% सफलता हर साल मिलती है। इस बार भी क्योंकि इन टोटल तो हम अब शाम को कल आने के बाद करेंगे, मुझे अंदाज है कि पिछले साल से भी थोड़ा और इम्प्रूव हुआ होगा। तो क्योंकि एक सतत चलने वाला संगठन है, कोई एक दिन में चुनाव के दिन खड़ा नहीं होता है। सामान्यतः निरंतर जो इस विद्यार्थी समुदाय में जो काम करते हैं विद्यार्थी परिषद, वो इस बारे में सक्रिय रहती है और इसके कारण से मैं सोचता हूँ उसको जीत जो है वो छोटे से छोटे कॉलेज में भी हाजिर होती है, तो उसका बहुत बड़ा कारण यही है। यहाँ भी अगर उदयपुर में हुई है तो मैं सोचता हूँ कुछ थोड़ा बहुत कैंडिडेट पे निर्भर भी करता है। थोड़ा बहुत जो है कई बार हमारा ही कैंडिडेट हमारे विरोध में कई बार खड़ा हो जाता है, तो उसका भी अपना कुछ थोड़ा बहुत असर होता है। उसके कारण से कहीं कहीं हमको उससे फाइट भी मुकाबले की हो जाती है। लेकिन फिर भी सामान्यतः मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस का जो इन ऑल मिलाकर राजस्थान में पिक्चर देखें तो मैं सोचता हूँ कुछ ही जगह तक जाकर के सीमित हो गई और उसको भी इस बात का मुकाबला करना पड़ा कि उसके ही लोग उसके ही खराब लड़कर के जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसे मैं भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा। कटारिया जी का कहना है कि जिस तरह से चुनावी कवायद हुई है पूरे प्रदेश में, पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं और परिणाम भी उसी तरीके से, विद्यार्थी परिषद को सफलता मिलने पर भी कटारिया जी ने संतोष जताया है कि विद्यार्थी परिषद के कामकाज को देखते हुए उनको ऐसी सफलता मिली है। आगे आने वाले समय में चुनाव परिणाम क्या होंगे यह तो समय ही बताएगा। हेमेंद्र श्रीमाली, समय ब्यूरो, उदयपुर। अपनी मांगों को लेकर राजस्थान